अभी अभी मैंने जो ट्रेलर देखा, थोड़ा लेट हुआ मुझे ये ट्रेलर देखने में, लेकिन एक हाय नाम की एक वेब सीरीज आने वाली, हिंदी वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर 7 अक्टूबर को, उसका ट्रेलर है ये। 2 सवा 2 मिनट का ट्रेलर है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। अब इस ट्रेलर में, 2 सवा 2 मिनट के ट्रेलर में बहुत सारा गाली गलौज, वॉयलेंस, कुछ ऑब्सीन्स, वल्गर सीन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलर बहुत ही डार्क है और वॉयलेंट है। देखने के बाद थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो सकते हैं इस ट्रेलर को देखने के बाद, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट पर ये वेब सीरीज बनाई गई है या फिर ये छोटा सा ट्रेलर जो आया है, ड्रग्स से रिलेटेड है ये। अब कोइंसिडेंस मान लो कि अभी जो हो रहा है बॉलीवुड में, खास करके ये एनसीबी वाले जिस तरह से परेड करवा रहे हैं सारे एक्टर एक्ट्रेस की, तो वो ऑफकोर्स ये बातें, जाहिर सी बात है, ये कदम कहीं ना कहीं तो उठाना था। लेकिन ये बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहेगा, हर जगह पर जितना हो सके ड्रग्स के खिलाफ ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, जो अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन ऐसे मौके पर ये वेब सीरीज का आना कोइंसिडेंस माना जा सकता है, या फिर मेकर्स ने इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की है कि माहौल भी अभी वो ड्रग्स वाला है, नेगेटिव है, ऐसे में इस वेब सीरीज को वो लेकर आए हैं ताकि ज्यादा प्रमोशन हो। तो मेकर्स ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिल करने की, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की हो, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा, लगता तो वैसे ही लेकिन है नहीं। इस ट्रेलर में, मतलब इस पूरे वेब सीरीज में जो स्टार कास्ट है, ये अक्षय ओबेरॉय है, प्रकाश बेलावड़ी है, रणवीर शौरी है। रणवीर शौरी तो छाया हुआ है आजकल वेब सीरीज में, बहुत सारे वेब सीरीज में वो काम कर रहे हैं। रणवीर शौरी है और मृण्मयी गोडबोले है, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, कमाल के एक्टर्स हैं इसमें। प्रीमाइस ऐसा है कि अक्षय ओबेरॉय जो शायद लीड रोल में है, वो ड्रग्स एडिक्ट है और शायद उसे ओवरडोज हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और शायद उसे रिहैब में भी भेजा जाता है। और उसी वक्त एक टीम बनती है और एक नए ड्रग का इजाद करती है, एक पिल, और नाम है इस ड्रग का मैजिक। अब ये ड्रग एक पिल के फॉर्म में जब मार्केट में स्प्रेड होता है, तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कार्टेल है, ड्रग माफिया है, उनका बिजनेस ठप होने की कगार पर है। बाकी जो ड्रग्स हैं वो मार्केट से मूव नहीं हो रहे, बस ये पिल है जो हर जगह पर फैली हुई है और कंपटीशन बढ़ा रही है। अब जो बाकी के ड्रग माफिया है जिनका बिजनेस ठप हुआ है, वो अभी इस ड्रग के सोर्स के पीछे पड़े हैं, और शायद इस काम के लिए उन्होंने एक आदमी को भी लगाया, वो शायद रणवीर शौरी ये काम करता है। वो जगह पर हमें उसे इंक्वायरी करते वक्त या फिर किसी को गोली मारते वक्त दिखाई गया है। अब ये किस तरह से इस सोर्स को पकड़ेंगे जहाँ से ये पिल्स बन रहे हैं, मैजिक पिल्स, जो ये नया ड्रग है। और इसकी खासियत ये है, मतलब ट्रेलर में हमें सुनने को मिलता है कि ये खाने के बाद ड्रग की डिपेंडेंसी बंद कर देता है, शायद बाकी के ड्रग की डिपेंडेंसी बंद करता है, बंद कर देता है, इस प्रकार की ये पिल है। अब रिपीटेटिव कस्टमर्स, यही एक ड्रग कार्टेल का यूएसपी है। मतलब एक बार आदमी को लत लग जाती है तो वो बार बार उस चीज़ को खरीद लेता है किसी भी हालत में। अगर ये नई आई हुई पिल अगर ये रिपीटेटिव कस्टमर का चेन बंद कर दे, तो बिजनेस जाहिर सी बात है ठप हो जाएगा। तो इसी के चलते इसे कौन बना रहा है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन है इस गिरोह के पीछे, इसकी कोशिश में ड्रग कार्टेल वाले भी हैं, शायद गवर्नमेंट वाले भी हैं, हर कोई है। तो ये उन्हें कैसे ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद फिर उनका क्या होगा, किस तरह से ये पूरी वेब सीरीज कंक्लूड होगी, ये सब कुछ हमें वेब सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर अच्छा है लेकिन डिस्टर्बिंग है, डार्क है, और मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी गाली गलौज आपको सुनने को मिलेगी और वॉयलेंस देखने को मिलेगा। फिर भी अच्छी तरीके से ये ट्रेलर बनाया है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नमस्ते।